हेलो गाइज, गुन्नू भट्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ घर, तो मैं दिखाऊंगी अभी घर, अपना घर दिखाऊंगी। और मैंने वहाँ जाके ऐसी चाय करनी है, तो मैं वो भी दिखाऊंगी अभी अपने ब्लॉग के माध्यम से। बने रहे मेरे ब्लॉग के माध्यम से। तो गाइज मैं जा रही हूँ अभी घर, यहाँ इस तरह से जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और मैं मुझे जाना वो नीचे गांव, तो ये यहाँ का रास्ता है इस तरह से पूरा। अभी गाइड बने रहे मेरे साथ, तो मैं घर पहुँच के दिखाती हूँ। तो गाइड ठंडी का समय है, तो पूरा इस तरह से तुसार से पैर रखने में पूरा गीला गीला हो रहा है, पूरा जाने में भी दिक्कत हो रही है। गीला हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हुई हो। और ये है यहाँ के मकान लगे हुए हैं। और गाइस यहाँ का रास्ता इतना गंदा है कि चलने में बड़ी दिक्कत हो रही है, डर लग गया चल पे हुए। ऐसे इतना ऊंचा पहाड़ टाइप का है और फिर इतना नीचे को डाउन है, और इस तरह से रास्ता है, कहीं कुछ रास्ते का पता था कुछ नहीं चल रहा है। तो गाइज ये है हमारे यहाँ का मंदिर, जगतमल मंदिर ये है इसको। गाइज मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर खेतौला, और मैं पहुँच चुकी हूँ। तो गाइज अभी दिखाऊंगी मैं। तो ये है यहाँ का घर हमारा, मैं पहुँच चुकी हूँ। तो ताई एक गोर से गाय ला रही है, इतना ठंडा हो रहा है गाय का, और ताई बाहर बांध रही है, इतने ठंडे में पूरा पाला पाला गिर रहा है। सारी गाय पाली है और ताई इनको अभी बाहर बांध रही है, क्योंकि धूप अभी आ रही है, पहाड़ों में बहुत ठंडा होता है ना, तो अभी धूप आ रही है, तो ताई अभी गाय को बांध रही है बाहर पे। तो घास धूप ही नहीं पहुंची है, इतने ठंडे में बांधे हैं बाहर पे। खाने की प्लेट अभी खा के जा रहे है। मेरे साथ आने के लिए यहाँ जूते वूते डाल के तैयार हो गई है। ये कहाँ है ये तैयार होगी एकदम मेरे साथ आने के लिए, कि मुझे आपके साथ आना है। मैं घर आई तो ये ऐसा ही करती है। चल फिर आजा, आजा गोद में। आ रही हूँ। कहाँ आ रही है, कहाँ जाना है? आपके साथ जाऊँ। मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ, मेरे पास जादू शक्ति है। जादू शक्ति से आ जाएगी तू? अच्छा, मेरे शिव जी का रूप हुआ, काली माता का रूप हुआ। अच्छा, तो एनु और मैं ऐसे ही जा रहे हैं। यहाँ बिल्लियाँ पाल रखे हैं, पूरा बिल्लियों का फार्म खोल रखा है इधर। एक यहाँ पे है, एक इधर है। तो इसमें मैंने करनी है सिंचाई, और मैं दिखाऊंगी अभी। तो गाइज मैं ऐसे सिंचाई कर रही हूँ यहाँ पे, पूरा इसमें बोए हुए हैं आलू, तो मैं इनको सिंचाई कर रही हूँ। और इस तरह से पूरे लगाए हुए हैं, इधर तो जमे भी है उस साइड, पूरे लगे हुए हैं आलू, और मैं इस तरह से सिंचाई कर रही हूँ। तो गाइज ऐसे इस तरह से मैं सिंचाई कर रही हूँ यहाँ पे, पूरा सिंचाई कर रही हूँ। और यहाँ गांव में आके तो मैं अभी दिखाऊंगी पूरा सिंचाई करने के बाद। बने रहे मेरे साथ। मैं जा रही हूँ अब ताऊ लोगों के साथ खेत में, क्योंकि ताऊ लोग वहाँ जो कांटे का तार होता है उसका बाड़ लगा रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ कि ताऊ लोग किस प्रकार से कितनी मेहनत करते हैं, तो वो मैं दिखाऊंगी अपने ब्लॉग के माध्यम से। है मेरे ताऊ के नर्सरी के सारे पेड़ पौधे, इतनी सारी नर्सरी है, नीचे को भी नर्सरी है, और ताऊ लोग वहाँ पे कांटे का बाड़ लगा रहे हैं। ताऊ लोगों ने ऐसे पूरे गोबर खाद के लिए गोबर भी पहुँचाया खेत में, और इस तरह से बेड बना रखे हैं इसमें पौधे लगाने के लिए। और दादा ऐसे तार बार कर रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे कांटे का लोहे वाला तार है, ये पूरे कांटे कांटे हैं। और इस प्रकार से पूरा खाद पहुँचा रखा है, जो परिपक्व हो जाता है गोबर,
ये उसी का खाद बनता है। तो ये खेतों में पहुंचाया गया पेड़ पौधों में डालने के लिए। किसके पेड़ लगाने वाले हो? इसमें फलदार लगाएंगे। फलदार कितने तक चले जाते हैं वो? क्या बताएं, डिमांड बर्बाद हुई। तो आपको क्या मिलता है फिर? पूरा तैयार हो रहा है यहाँ पे फलदार पेड़ लगने के लिए। जैसे ताऊ ने बताया था पूरा फलदार पेड़ लगेंगे, तो पूरा खेत तैयार किया जा रहा है ताऊ जी के द्वारा। एकदम भूड़ भावर हो रखा है ये, इस तरह से पूरे घास उगी हुई है कांटे वाली, जो ताऊ लोग इतनी मेहनत करते हैं। उसके बाद उसने घोड़े ओढ़े लगा के ये फलदार पेड़ को देते हैं। मैं घर जाती हूँ और ताई से पूछती हूँ कि ताई किस प्रकार से तुम लोग घोड़े लगाते हो, कितने रुपए लेते हैं, क्या मिलता है। तो ताई अपने ब्लॉग के माध्यम से बताएगी। और मैंने अपना गांव का पूरा खेत, पूरे हर जगह खेत खेत में जाके दिखा दिया है किस प्रकार से हमारे खेत कैसे हो गए हैं, लोग चले गए हैं, तो किस प्रकार से हमारे खेत के हाल, हमारे गांव के हाल किस तरह बुरे हाल हैं। तो ये है, तो जानते हैं चलो ताई के माध्यम से कि किस प्रकार से हमारे गाँव की दुर्दशा है, प्रकार से पूरा भूड़ हो गया है एकदम घास वास से। कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे खेत है क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि ऐसे दुर्दशा हो चुकी है। तो क्या पता चलेगा कि यहाँ क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। पहले इसमें बहुत अच्छा खेत था, इसमें बहुत अच्छे से अनाज को उगाया जाता था, लेकिन आजकल ऐसा भूड़ भड़क क्या हो गया। तो ताई यहाँ पे गायों की सेवा में लगी हुई है, ये गंजा पानी दे रही है ताई। ताई इतनी सारी गाय पाली है, गाय दूध कौन कौन सी देती है? गाय दूध दूध वो देती है, वो ये देती है। और बस हो गया, ये भी आने वाली है। ये भी आने वाली है। दूध नहीं लगाया है बाजार? नहीं लगाया अभी तो। क्यों? तो ये ताई ने यहाँ पे पूरी गायें पाल रखी हैं। और पहले मैं सबसे पहले ताई से पूछने से पहले एक बार ताऊ खेत में काम कर रहे हैं, मैं ताऊ से जाके पूछती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। ताऊ इस तरह से यहाँ पे गुड़ाई कर रहे हैं और ये नीचे को सारी ताऊ की नर्सरी है। और ताऊ यहाँ पे क्या बोल रहे हो? प्याज लगेगा, बिकता भी है प्याज? हाँ है, प्याज बिकता भी है। दुलान दुलान तो यहीं से कोई आ जाते है, कोई करते है। कितना लेते हैं वो लेते हैं वो 40 रुपया 50 रुपया सैकड़ा। 50 रुपया सैकड़ा यानी समझी नहीं? 50 रुपये मतलब एक बार का 100 लेते होंगे। हाँ। एक बार का आने मतलब हाँ। जाने का ढुलान। हाँ। तो 100 रुपये उसमें लग जाते हैं तुम्हारे। हाँ। फिर उसके बाद खुदाई में भी लोग लगाने पड़ते होंगे। खाद का है, बीज का है, खाद का है, बीज का है। तो क्या मिलता है यहाँ पे, आपको क्या मिलता है? मिलने का कितना तो, कितना मिलता है? मिलता है कुछ? मैं जैविक प्रचार कर रहा हूँ ना जरा आजकल, खाद की, गोबर के खाद की है। हाँ? गोबर के खाद की हर चीज खाए। हाँ? रासायनिक वाली मत खाए, तब मैं ये प्रचार में लगाऊँ थोड़ा। अच्छा। हाँ। तो ताऊ इस प्रकार से प्रचार भी कर रहे हैं, किसान का काम भी कर रहे हैं। तो ताऊ अगर रोड होती तो क्या होता? सोने में सुहागा हो जाता, सोने में सुहागा होता है। रोड के पीछे सब धंधा था आदमी का। रोड होती तो क्या होता ताऊ, होता कुछ? हमें ढुलान नहीं देना पड़ता। हाँ। चीजें सॉल्व हो जाती, गांव की हो जाती परेशानी। बूढ़े बुजुर्ग लोगों का बहुत तो परेशानी हो रही है हर चीज में, जाने आने जाने। हाँ। का और इतनी जो मेहनत कर रहे हो, जो पेड़ पौधे बेचते हो उसमें तो घोड़े लगाते होंगे ना? घोड़े सब ढुलान का मैं बहुत वो हो जाता। अच्छा, ढुलान का ज्यादा वो होता होगा उसमें। अच्छा ठीक। इस प्रकार से पूरे देखो इतनी मेहनत यहाँ पे खेतों में की जा रही है। इस तरह से आलू के पेड़ लगे हुए हैं, उगाए जा रहे हैं, और ये लहसुन इतना बड़ा हो चुका है। और इस तरह से पूरा काम किया जा रहा है खेतों में, इतने बड़े बड़े लहसुन प्याज इस तरह से पूरा हो रहा है। ये देखो इतनी सब्जियाँ लगी हुई है, अगर ये जगह पर होती तो बिकती और कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होता इनको। मैं ताई के पास जाती हूँ और ताई बताएगी कि डेयरी दूध की खोली है या क्या किया है। ये ताई बताएगी दूध लगाया नहीं लगाया। सवाल ताई से है कि ताई इतने सारी गाय तो पाली हैं, क्या दूध लगा रहे हैं कहीं? कहाँ से लगाएंगे दूध, यहाँ कोई सुविधा है दूध लगाने की?
आसानी से गांव में बसते हैं, 2 किलोमीटर दूर दूर तो हम बसते हैं। हाँ। मार्केट जाएंगे, दिन भर मार्केट का ही लगे रहेगा वहाँ हमारा, कौन देगा इतना खर्चा, घर में गाय बच्चे हैं, मरेंगी नहीं क्या। हाँ, वो तो मरे। अब रोड कुछ आती नहीं है, हर साल बोलते हैं रोड आएगी। वो फतोड़ी की रोड गई थी, वो उसमें बोल रहे थे यही साथ ही ये रोड भी बन जाएगी और इसमें डामर साथी करेंगे करके, अब यहाँ कोई रोड देता है नहीं, सरकार तो यहाँ सब भूस हो गई है। उस टाइम सरकार यही मतलब यहाँ आए थे। हाँ, फिर आए थे, सर्वे भी कराई है, 6-7 साल हो गए लोगों को भ्रमित करने के लिए। भ्रमित करने के लिए क्या होगा फिर और क्या। अच्छा, और जिसमें हम वोट देने के लिए आते हैं उसमें बोलते हैं देंगे रोड देंगे पानी देंगे, पानी तक भी नहीं है गाँव में। हाँ, पानी की कमी। अभी मैं सिंचाई के लिए आई थी तो सिंचाई में पानी भी कम हो गया। खाते साग सब्जी उगा के भी खाते तो पानी भी नहीं है, पानी भी आधा रास्ते में वहाँ छोड़ के रखा है पानी। हाँ, वो तो है। 2-3-4 महीने हो गए हैं पानी को वहाँ आधे रास्ते में छोड़ के गए, वहाँ से वो जंगल भालू वहाँ खा रहे हो पानी को, पता नहीं कौन पी रहा है। हमारे यहाँ आने तक तो रहा हो पानी, वही तो है। और रखा है इन लोगों ने तो, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ गाँव में। और क्या लगता है तुम्हें, इस बार होगा विकास, कुछ होने वाला है क्या? विकास होगा वहाँ, मोदी जी तो कर ही रहे हैं, अब यहाँ के जो बीच वाले घोटाले वाले हैं ये तो कुछ कर ही नहीं रहे काम। क्या विकास होगा, कुछ भी नहीं होगा। जिसमें वोट मांगनी होती है उसमें तो कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, फिर लास्ट में 5 साल तक तो मुंह नहीं दिखाते हैं, 5 साल के बाद आते हैं मुंह दिखाने के लिए इलेक्शनों के टाइम पे आते हैं। तो अगर हमारा उनका पूरा अधिकार है विकास ना होने के बाद भी गांव में घूम के वोट मांगने का, तो हमारा भी पूरा अधिकार है कि हम अपने हक के लिए लड़े। हमने अगर वोट दे रखी है तो हम अपने हक के लिए अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। हमारा कुछ सुनते ही नहीं है वो लोग। सुनना जरूरी है लेकिन सुनना चाहिए, ये गलत बात है, सुनना चाहिए क्योंकि आते ही नहीं है। फिर गाँव में क्या सुविधा है, इधर क्या नहीं है, कुछ देखते ही नहीं है वो गाँव वालों को। गाँव में सारे पलायन हो गए इधर से, अब गाँव जो दो रहे हैं। हाँ, मैंने अगले ब्लॉक के माध्यम से दिखाया था वो बंजर। हाँ। पूरा घर हमारे पूरे बंजर घर दिखाए थे। सब दो परिवार तो यहाँ रह चुकी है, वो भी जाएंगे। देखो इतने मेहनत से चार पाँच छह गाय तो ये ताई ने पाल रखे हैं, 3 गाय मेरी ताई ने पाल रहे हैं। इस तरह से ये मेहनत करते हैं बेचारे, इतने दूर दूर से घास लाते हैं। घास कहाँ से लाते हो? जंगल पूरे बंजर पड़ चुके हैं। इस तरह से पूरे जंगल ही जंगल हो गए हैं। अब गाय बच्चा कुछ है नहीं, घास ही घास है, बंदर भालू बाघ का डर है। कब खाएंगे कोई पता नहीं। हाँ, क्योंकि गांव में भाई बने रहता है कि बाघ भाग का आने लग गया, आंगन में ही बाघ आने लग गया। हाँ, ताई आप क्या करते हो ऐसे धूप सेकते हो छत पे बैठ के? नहीं तो कहाँ सेकते हैं धूप, नर्सरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, साग सब्जी का काम करते हैं। कोई साग सब्जी यहाँ से बिकती है, जाती है साग सब्जी? जाती कैसे जाएगी, हम सब ये उम्रदारी हो गए हैं, कौन ले जाता है, कैसे जाती है। ऐसे काट कूट के दो बनाते हैं गाय के लिए, ढुलान के लिए। उतना जितने की सब्जी नहीं जाती उतने का ढुलान लग जाता है, क्या करे वो सब्जी ढुलान करके। तो जितना हमको यूज किया जितना नहीं किया तो गाय को दे देते हैं, गाय को खिला देते हैं, कोई आया तो उनको दे देते हैं। अब 100 रुपये की सब्जी हुई, 200 रुपया हमारा ढुलान है, क्या करेंगे वो सब्जी दे के। इसीलिए तो हम परेशान हैं, ये गांव में ना रोड है ना कुछ है, कोई सुविधा नहीं है। अब ये कभी भी तबीयत खराब हो जाती है ना, जनता है कोई उठा के चलो डोली में भी ले जाए, और ऐसा ही है, क्या करें, ऐसे दिन निकाल रहे हैं अपने जैसे कैसे। तो जाने के लिए रास्ता भी तो ऐसा ही है उबड़ खाबड़। रास्ता तो चढ़ाई हुई, कौन जाएगा चढ़ाई में बोझा लेके। अब वही घोड़ों का काम हुआ, कभी घोड़े मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। तो विकास हो पाता है नहीं? क्या विकास होगा ऐसे में, क्या क्या विकास हो रखा है आज तक हमारे गांव का? कुछ भी विकास नहीं हुआ। जब से आपकी शादी हुई उस टाइम पे कैसा था, अभी कैसा था? जैसा तो पहले था मेरी शादी के समय वैसा अब भी है, क्या किसकी सुविधा बताऊं? क्यों, जब रोड नहीं थी अब भी नहीं है, तब भी कोई डॉक्टरों की सुविधा नहीं थी अब भी नहीं है, अस्पताल कोई अस्पताल की सुविधा तब भी नहीं थी अब भी नहीं है, और ऐसे परेशान है यहाँ से। अब पलायन करने के लिए सोच रहे हैं, अगर रोड नहीं है तो सब पलायन ही करेंगे फिर धीरे धीरे घरों में। तो क्या करें, अब ये नर्सरी करते हैं, 100 रुपये के पेड़ कोई मांगता है तो 200 रुपया ले जाने के लिए चाहिए। तो जिस टाइम यहाँ वोट मांगने आते हैं उस टाइम क्यों नहीं बोलते हो तुम? बोलते हैं सबको, सभी बोलते ही हैं रोड आएगी आएगी, पता नहीं अब कब तक आती है।
अच्छा। अब बच्चे सब बाहरी को जाने लगे, रोड नहीं है, स्कूल नहीं है बच्चों के लिए, ऐसा ही है। क्या है पहाड़ में, फिर हमारे वहाँ कुछ भी नहीं है। ताई ने बताया और अब अम्मा से पूछती हूँ कि अम्मा को कैसा अम्मा क्या है। क्या है हमारी बुजुर्ग अम्मा, तो ये बताएंगी कि अब अम्मा कितनी दिक्कत होती है यहाँ से बाजार जाने में। बहुत दिक्कत। की दिक्कत होने रे भाई, की होने रे? पेट में जाती हूँ। मेरे तो गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, कुछ नहीं। मेरे पेंशन तो रुकी गई। अब एक ही साल है गयो, कर्जा न होगी न कुटसन न ऑक्सन, खाली बैरों बिगर हाथ उठाएगी। तुम को क्या दिन नहीं भैया, बोर दिन बखा आज सा क्या बोलो, बोर ले दिन ना हाथ मना ना, बोर दिन क्या दिन हो बोर्ड। मेरे पैर भी बोर्ड दे दे, फिर हम दे क्या साधन क्या किया, न गाड़ी न भगना कुछ ना। जदा लोनन पर उदल क्या ना कोना तुम कोने भैया, उदली सब्जी मंगलाती दियो कोना ना आपकी मांगो एक गाड़ मांगनी चाहूँ वही लेने दे मुझे और तेरे दे दू। क्योंकि बिकास है रबा आज तक कुछ नहीं क्या ये बखा बोर्ड मांगने था आर उधर भी फर्क ही नहीं सोने भी आमे तेरे को सोने चितोने बुढ़े सने नंदिन सने यो कोई गरुआ आग सने क्या मतलब नहीं भी आम नाते नहीं स्कूल आलो ने रे ने बोर्ड बोर्ड दिन बखा आ स्कूल आलो ने रे नाते ने घरे से गाड़ बिना घरे से चाल बुआरी ना कोई का कमर दर्द से कोई का आँखन दर्द से कोई का खुदन दर्द से आप ले जाओ को ना हाथ न खुट। मैं तो पीठ में उन्हें गई हूँ जब आई हूँ घर में, जब लेबर लगाए 200 दिन पड़ूंगी लेबर आई वही। गाइज ऐसे समस्या ताई और अम्मा ने बताई थी, क्योंकि अम्मा इतनी बुढ़ी है वो तो आ नहीं सकती अपनी प्रॉब्लम को बताने के लिए, तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से बताना चाह रही हूँ लोगों को, क्योंकि इन लोगों का कहना था कि अपने ब्लॉग के माध्यम से कि हमारी समस्या को लोगों तक। अम्मा लोगों का यही है कि रोड दो, हमारा गाँव का कोई विकास नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार से कोई विकास नहीं है, बहुत सुविधा हमारे गाँव में किसी भी प्रकार की सुविधा ही नहीं है। क्योंकि ये लोगों का कहना था कि जो मेरे गाँव के लोग हैं तो कह रहे थे कि होता है नया नया ब्लॉग बना रहे हैं, तो बोल रहे थे कि हमारी समस्याएं पहुंचाई जाए लोगों तक कि हमारे गांव में किस प्रकार से समस्या है, तो मैंने ये बताया। ये बन गया है चूक। तो यहाँ पे सिंचाई हो रही है और जिसमें खिल्लुदा मेरी हेल्प कर रहे हैं, और ये प्याज पूरा सिंचाई हो रहा है, इसमें इतना पूरी सिंचाई कर दिया है, अब थोड़ा सा उधर बच गया है। और इसमें ये मेरी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि पानी मेरे कहने जा नहीं पा रहा पेड़ों में। तो गाइस जब मैं जा रही हूँ चौपाटी, अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।